बालिंग नाडुंग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और क्या लगता है आपको, कितनी संभावनाएं हैं ये युवा फिर वापस लौटेंगे? सर नमस्कार। सर सर यहाँ ये जो दोनों लड़के हैं, मेरे दोस्त भी है और मैं, मेरे से छोटा है, मैं इनको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ सर। तो यहाँ सर मतलब ऐसे घटना इसलिए भी ज़्यादा घटता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी कमी होता है सर। सबको कुछ अपना फैमिली को चलाने के लिए ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, फैमिली का जिम्मेवारी भी होता है, खेती वेती के साथ ये शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा पैसा कमाने भी होता है कि जंगल में, जैसे इस एरिया में स्पेशली ये सब जो जैसे यासु गुम्बा बोलता है, जैसे अभी नेपाल में उत्तराखंड में पाया जाता है, उसके बाद में जो जंगली कच्छू बोलते हैं और मिसमी तीता, ये जो जड़ी बूटी के खोज में ही मतलब बहुत सारे लोग जो बॉर्डर के पास में यही मिलता है तो वहीं ये लोग जाते हैं, तो उसी के चक्कर में ही ये लोग मतलब ऐसे जंगल में चला जाता है। और मुझे अभी ये दोनों लड़का के ऊपर ये थोड़ा डाउट है कि इतना दिन हो गया, अभी 2 महीना होने को जा रहा है, तो अगर वो सही सलामत जंगल में होने से तो पक्का वो वापस अब तक आ जाना चाहिए।